hello students welcome back i hope you all are doing well and this is the video of class 7 science and i am going to start chapter 4 and you know that the name of the chapter is heat so in this chapter we are going to talk about the heat and different aspect of the heat so let's start so first of all what uh, what is heat so heat is a form of energy which makes substance हॉट सो हीट क्या है एक तरीके की एनर्जी है जो किसी भी चीज़ को क्या कर देती है हॉट कर देती है ठीक है जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब ठंडक का दिन होता है विंटर सीजन में आप घर के अंदर क्या करते हैं इन द हाउस इन साइड द हाउस यू फील कोल्ड ठीक है आपको ठंडा लगता है क्योंकि हीट एबसेंट होता है लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं अगर बाहर सन है ठीक है धूप में जाते हैं तो सन रेज के अंदर आपको कैसा फील होता है वॉम क्योंकि सन से क्या है हीट एनर्जी जनरेट होती है तो जब आपके ऊपर हीट एनर्जी पड़ती है तो आपको वार्म फील होता है तो हीट एक एक तरीके की एनर्जी है जो किसी भी चीज़ को क्या बना देती है हॉट यानी कि गर्म कर देती है ठीक है सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ऑन द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ हीट आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें हॉट होती हैं एंड कुछ चीज़ें कोल्ड होती हैं ठीक है आप अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को आप फेस करते होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हॉट आपको लगती होंगी गर्म और कुछ चीज़ें आपको ठंडी लगती होगी जैसे कि एक फ़्राई पैन है वो आपने उसको बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर रखा है तो ये जो अगर आप इस पार्ट को अगर आप टच करते हो तो यू फील हॉट लेकिन अगर आप उसके हैंडल को टच करते हो तो वो क्या होती है इन कंपेरिजन टू दिस पैन ये क्या होती है कूल cool होती है ठीक है तो अगर अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसमें आपको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट होते हैं ठीक है या कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं अमंग द इन द सेम मैनर अमंग द कोल्ड ऑब्जेक्ट समब्जेक्ट में बी कोल्डर दैन द अदर अगर दो चीज़ों को आप टच करके आप पता लगाते हो तो आप देखते हो कि कुछ चीज़ें कम ठंडी हैं कुछ चीज़ें ज़्यादा ठंडी हैं और ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है कौन सी कम गर्म है कौन सी ज़्यादा ठंडी है कौन सी कम ठंडी है तो इसके लिए आप क्या करते हो रिलेटिव हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए आप क्या करते हो सिंपली टचिंग द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो टच करते हो लाइक यू कैन सी ही यू टच विद योर हैंड एंड यू गेट नो दैट कौन सी चीज गर्म है ठंडी है कितनी गर्म है ठीक है लेकिन क्या आप इसको टच करके हर हर जगह की या हर हर समय आप टच का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की हीट ही हॉट है या कोल्ड है पता कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसके लिए आप क्या कर आपको क्या चाहिए होगा आप एक एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं एक नया टर्म इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं टेम्परेचर ठीक है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज टेम्परेचर आप हर चीज़ हर चीज़ को टच करके आप नहीं बता सकते ये कितनी

चीज़ ठंडी है ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा है हाई है तो आप कहेंगे दैट दैट ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और अगर टेम्परेचर कम है तो आप कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज कूल ठीक है एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ क्वाइट हाई सो बॉइलिंग वाटर अपीयर्स टू बी वेरी हॉट अगर इस बॉइलिंग वाटर को देखें तो इसके टेम्परेचर क्या है हाई है ठीक है हाई है हाई है टेम्परेचर तो इसका मतलब आप बोलेंगे इट इज़ वेरी हॉट ठीक है अगर ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे टेम्परेचर ऑफ़ मेल्टिंग आइस इज़ क्वाइट लो सो आइस अपीयर्स टू बी वेरी कोल्ड ऑन टच और अगर यहाँ पे देखें आइस की बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या है लो है कम है तो आप बोलेंगे कि दैट इज़ कोल्ड ठीक है तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या होगी वो चीज़ हॉट होगी, होगी और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो चीज़ क्या होगी कूल होगी ठीक है तो टेम्परेचर क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है नाउ अगर आप टेम्परेचर को मेज़र करने की बात करें तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का कर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर टेम्परेचर को मेज़र करके आ, हम पता लगा सकते हैं कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है ठंडी है तो कितनी ठंडी है ठीक है थर्मोमीटर में स्केल होती है ठीक है और स्केल हैज़ मार्क्ड ऑन इट विच इज़ यूज टू रीड द टेम्परेचर ठीक है जैसे कि अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो, तो उसके लेंथ में जो मार्क लगे होते हैं वो क्या होते हैं बिटवीन ज़ीरो डिग्री मार्क एंड हंड्रेड डिग्री मार्क्स ठीक है ज़ीरो से स्टार्ट होता है मार्क और कहाँ तक जाता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक और उसके बीच में हंड्रेड इक्वल डिविज़न्स होते हैं उसके बीच में क्या होता हैं हंड्रेड इक्वल डिवीज़न होते हैं ठीक है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे वन हंड्रेड है ठीक है तो इसके बीच में हंड्रेड इक्वल डिवीज़न होंगे तो हर एक जो डिवीज़न होगा वो किस को शो करेगा डिग्री को शो करेगा ठीक है और इसी डिग्री को इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं सो so, जो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं द डिग्री सेल्सियस ठीक है डिग्री फॉरिन हाइट और केलविन एक दो और भी यूनिट्स होती हैं लेकिन जो कॉमन यूनिट है उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस ठीक है अगर हम ऐसे थर्मामीटर की बात करें जो हम हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और जिसको लैब में हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों में हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ द मरकरी एक एक मेटल होता है जो, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है आप जानते हैं मरकरी एक ऐसा मेटल है एक ऐसा सिंगल वनली वन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड ठीक है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने थर्मामीटर में जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाता है टू द मरकरी ठीक है तो क्या होता है वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके क्या होता है मरकरी एक्सपैंड होती है एंड गेट राइज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर एंड इसी फैक्ट को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने पे अभी हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर में तो के बारे में तो ऐसा थर्मामीटर जिसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ठीक है तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर है दैट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है आप, आपने सुना होगा जब किसी को फीवर हो जाता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोई भी डॉक्टर या घर में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं एंड थर्मामीटर में क्या होता है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है देखिए ग्लास की ट्यूब होती है एक लंबी सी और उसके हैविंग अ थिन एंड यूनिफॉर्म उसके अंदर फिर एक बहुत पतली सी एक पाइप होती है ठीक है एंड uh, इसके नीचे एक ग्लास का बल्ब होता है इस तरीके से उसके uh, उसमें क्या होता है उसमें मरकरी फिलअप होता है ठीक है मरकरी भरी होती है उसके अंदर एंड जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है एक देखिए ये कम एक ट्यूब है लंबी सी इसके अंदर एक दूसरी पतली सी ट्यूब है ओके और यहाँ पे क्या है एक बल्ब है ग्लास का बल्ब और इसके अंदर क्या भरा हुआ है मरकरी भरा हुआ है और इस ये जो अंदर वाली पतली वाली ट्यूब होती है इसके यहाँ पे एक किंक होता है ठीक है कंस्ट्रक्शन होता है और फीचर्स ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर के क्या फ़ीचर होते हैं ये देख लेते हैं हम तो इसका जो रेंज होता है बहुत शॉर्ट होता है वेरी शॉर्ट किधर कितना रेंज होता है इसका थर्टी फाइव डिग्री टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस ठीक है शॉर्ट रेंज क्यों होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का क्योंकि जो ह्यूम क्योंकि ये यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मली थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस और फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है इससे ना तो नीचे जाता है ना तो ऊपर तो इतना ही रेंज होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का भी रेंज इतना ही होता है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू तो फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस <laughs> ठीक है जस्ट अबॉफ द बल्ब कंटेनिंग मरकरी और क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक ठीक है यहाँ पे आपको एक बल्ब के ऊपर जैसे ही आप आएंगे आपको एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा इसको बोलते हैं किंक ठीक है यहाँ पे आप इसको आ, आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे दिस दिस वन इज़ द किंक ओके ये किंक क्यों होता है वाई इज़ दिस वाई इज दिस द कंस्ट्रक्शन इन द ट्यूब जिसमें मरकरी फ्लो करेगी उस ट्यूब में किंक होता है कंस्ट्रक्शन होता है तो विच इसका काम क्या होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी इन टू द थर्मो देखिए जब ये ये मर्करी जब किसी हीट हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये मर्करी क्या होती है एक्सपैंड होती है ऊपर की तरफ ट्यूब में फ्लो करती है तो इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए किंक होता है कॉन्स्ट्रक्शन होता है जो वापस इसको बैक फ्लो होने से रोकता है ठीक है क्योंकि आप मान लीजिए किसी पेशेंट के माउथ में आपने क्या किया थर्मामीटर रखा और उसके बाद जैसे ही आप निकालेंगे तो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या होगा मरकरी वापस नीचे चली जाएगी ठीक है क्योंकि आप उसकी बॉडी से निकालेंगे हीट कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो जो मरकरी होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगी नीचे आने लगेगी तो उसकी बैक फ्लो को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए किंक होता है ताकि आप थर्मामीटर को बाहर उसके पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल कर भी आसानी से उसके टेम्परेचर को आप रीड कर सकें ठीक है तो इसके लिए होता है एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आफ्टर नोटिंग द बॉडी टेम्परेचर द लेवल ऑफ मरकरी कैन बी ब्रॉड डाउन बाय गिविंग जर्क टू द थर्मामीटर ट्यूब जब एक बार हम टेम्परेचर रीड कर देते हैं उसके बाद हम एक जर्क मतलब ऐसे थोड़ा सा झटक कर हम क्या करते हैं थर्मामीटर में मरकरी को वापस बल्ब में पहुँचा देते हैं ठीक है मरकरी एक टॉक्सिक बहुत ही टॉक्सिक सबस्टेंस है पॉइजनस है हमारे लिए इसको डिस्पोज करना डिस डिग्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसीलिए थर्मामीटर को बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए एंड क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी इंसान की बॉडी के अलावा इसको किसी भी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी केप्ड इन द सन और नियर ऑफ लेम अदरवाइज इट मे ब्रेक नाउ डिजिटल थर्मामीटर आई यूज विच डू नॉट यूज़ मर्करी नाओ विल टॉक अबाउट द रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड कैसे करना है तो कुछ स्टेप्स हैं उसको हमें फॉलो करना है पहला स्टेप क्या है फर्स्टली वॉश द थर्मामीटर सबसे पहले थर्मामीटर को वॉश कर लेंगे विद एन एंटीसेप्टिक सेप्टिक सोल्यूशन अगर एंटीसेप्टिक सेप्टिक सोल्यूशन नहीं है तो इसको क्लीन वाटर से ही आप धो लें साफ़ कर लें देन जेंटली आराम से इसको होल्ड करेंगे थर्मामीटर ट्यूब इन योर हैंड गिव इट अ जर्क थोड़ा सा हम झटका देंगे जर्क देंगे जिससे क्या होगा मर्करी थ्रेड जो है वो थर्मामीटर के ट्यूब में चली जाए और इसकी जो रीडिंग हो जाए वो क्या हो जाए थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस नाउ पुट द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर मीटर अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट वन मिनट फिर हम क्या करेंगे जब आप देखेंगे कि जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे चली गई है फिर हम इसको पेशेंट के टंग के नीचे जो है माउथ में रख देंगे फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए उसके बाद जो है पेशेंट के माउथ से निकाल कर हम टेम्परेचर को रीड कर लेंगे इन ऑर्डर टू रीड द टेम्परेचर होल्ड द टेम्परेचर थर्मामीटर को हम कैसे रखेंगे हॉरीज़ॉन्टली रखेंगे इस तरीके से ठीक है एंड रोटेट इट स्लोली धीरे धीरे रोटेट करेंगे और जहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज ऑफ मरकरी हमें दिख जाएगी वहाँ वहाँ पे हम टेम्परेचर को रीड कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर प्रिकॉशन क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैं थर्मामीटर यूज़ करते वक्त क्लिनिकल थर्मामीटर को हम ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे एंड क्लिनिकल थर्मामीटर को हम वॉश कर लेंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़ विद द एंटी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड मरकरी लेवल आपका थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो बिफोर द यूज़ ठीक है यूज़ इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे कि मरकरी का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए इनिशियल रीडिंग यानी थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए एंड अगर थर्मामीटर को रीड करते वक्त आपका जो मरकरी जो है वो क्या होनी चाहिए मरकरी और आई का लेवल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए एक लेवल पे होना चाहिए एंड रीडिंग वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर इट शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब कभी भी बल्ब से आप मरकरी uh, को सॉरी uh, थर्मामीटर को नहीं पकड़ेंगे उसके दूसरे साइड से पकड़ेंगे और उसको केयरफुली हैंडल करेंगे क्योंकि अगर वो शीशे का बना होता है अगर वो टूट जाएगा तो मरकरी बाहर आ जाएगी और मरकरी बहुत ही टॉक्सिक होती है नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसी डिवाइस है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऐसी थर्मामीटर जो हम इसको साइंस लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ठीक है तो साइंस लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाला थर्मामीटर को हम क्या बोलेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है इसमें भी ये भी ग्लास का ही बना होता है इसके अंदर भी एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके अंदर आ, मरकरी फ्लो करता है नीचे ग्लास बल्ब होती है जिसमें मरकरी भरा होता है ठीक है इस इस ग्लास के अंदर जो पतली सी महीन सी ट्यूब होती है उसको हम थिन बोर ग्लास ट्यूब बोलते हैं ठीक है और इसी अंदर जो ये बल्ब से निकल कर ये फ्लो करता है इसके ऊपर जो है मरकरी ऊपर तक फ्लो करता है जब एक्सपैंड होता है तो इसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को बताता है ठीक है ये इसमें भी लॉन्ग ट्यूब होती है इसके अंदर थिन बोर होता है इसमें भी जो मार्किंग होती है उसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है yeah. दीज आर द स्पेशल थर्मोमीटर एंड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट इन टी वी एंड न्यूज पेपर आर मेजर बाय द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर आप टी वी या न्यूज़ पेपर में देखते होंगे कि वहाँ पर मैक्सिमम दिन में कितना मैक्ममम टेम्परेचर होगा और कितना मिनिमम ये बताया जाता है तो इसी मैक्ममम मिनिमम थर्मीटर से यूज़ करके हम इसको मेजर कर सकते हैं नाउ रीडिंग अ लेबोरेटरी लेबोरेटरी को रीड करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए पहला स्टेप है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम हॉट 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 वाटर वाटर इन अ बीकर मान लीजिए का आपको मेज़र uh, uh, करना है टेम्परेचर तो एक कंटेनर में हॉट वाटर ले, ले लेंगे नाउ ट्राई टू होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर फ्रॉम इट्स ग्लास ट्यूब एंड इमर्स द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इन हॉट वाटर टेक एन इन द बीकर फिर जो थर्मामीटर का जो बल्ब है जिसमें करी है उसको हम uh, बीकर में पानी के अंदर डालेंगे Uh, और ये नोटिस करेंगे एक ध्यान रखेंगे कि जो बल्ब है थर्मामीटर का वो बीकर के साइड uh, या बॉटम से टच नहीं करना चाहिए नाउ नाउ वी विल सी द शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी मूविंग अप इन द थर्मामीटर ट्यूब फिर हम देखेंगे कि जो मरकरी है वो ऊपर फ्लो कर रही है एंड जहाँ पे वो रुक जाएगी एक जगह पे द मरकरी विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टैंड एट वन प्लेस उसको हम रीड कर लेंगे वहाँ पे जो uh, रीडिंग होगी उसको हम रीड कर लेंगे एंड दिस विल गिव अस द टेम्परेचर वो हमें वो हमारा टेम्परेचर होगा हॉट वाटर का ठीक है नाउ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि उसमें किंक नहीं होता है तो जैसे ही आप माउथ से निकालेंगे वैसे ही थर्मामीटर का जो मरकरी है वो डाउनफॉल होने लगेगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी प्रिकॉशन नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करने के लिए क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए तो पहला पहला प्रिकॉशन है वाइल मेजरिंग टेम्परेचर द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली सीधा हमें सीधा पकड़ना है बिल्कुल थर्मामीटर को बिल्कुल हमें क्या पकड़ना है सीधा वर्टिकल और इसका जो बल्ब है वो ऑल साइड से पानी से क्या होना चाहिए कवरअप होना चाहिए बिल्कुल किसी कंटेनर के साइड बॉटम से कनेक्टेड नहीं होना टच नहीं होना चाहिए और जब आप रीड करते हैं तो उसका जो है बल्ब जो होगा वो स्टिल पानी के अंदर होना चाहिए निकाल कर नहीं आप मेज़र कर सकते हैं नहीं तो टेम्परेचर की गलत रीडिंग आपको मिल जाएगी एंड uh, यहाँ पर भी यही बात है कि बल्ब से हम नहीं पकड़ेंगे बल्ब थर्मामीटर को अगर आपको होल्ड करना है तो उसके बल्ब को नहीं उसके अदर साइड को पकड़ेंगे एंड केयरफुली हैंडल करेंगे बहुत आसान बहुत ध्यान से क्योंकि उसमें भी मरकरी होता है uh, और अगर हम टेम्परेचर की रीडिंग जो है हम नोट डाउन करेंगे तभी जब थर्मामीटर जो होगा वो पानी के अंदर इमर्ज होना चाहिए पानी से निकाल कर आप नहीं करेंगे अगर जैसे ही पानी से निकालेंगे वैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और आपको गलत रीडिंग मिल जाएगी नाउ विल टॉक अबाउट द डिजिटल थर्मामीटर ये बहुत ही कॉमन थर्मामीटर है आजकल नाव डेज इसमें डिजिटली आपको नंबर देखने को मिल जाता है यू विल सी दैट एंड इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ इसको बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है तो क्योंकि मरकरी बहुत ही टॉक्सिक एंड पॉइजनस अबस्टेंस होती है और उसको डिस्पोज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको थोड़ा हैंडल uh, करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है इसलिए उसकी जगह पर आजकल जो है वो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है जिसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और उसमें क्योंकि मरकरी नहीं होती है तो दैट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड उससे कोई हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कोई पॉइजनस प्रॉब्लम भी नहीं होती है ठीक है थीके? तो दिस इज़ ऑल Uh, for this video and uh, in the next video we will talk about the another topic of this chapter uh, that is the conduction of the heat okay and uh, till then be good do good thank you